खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा जी यूं जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य द्वारा प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की घटनाओं मुख्य जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार को बताया। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, युवाओं का प्लान, बढ़ता भ्रष्टाचार, इन सभी विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आक्रोश जताया। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतापगढ़। तरीके से नौजवानों के ऊपर जो बेरोजगारी आज 45 वर्ष सबसे ज्यादा 45 वर्ष में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी का होता है तो आज नौजवान बेरोजगार मजबूर होकर अपना घर छोड़ रहा है, लेकिन छोड़ करके कहाँ जाए। और इस बात का हर जगह कल कारखाने बंद कर दिए, नौकरियाँ बंद कर दी, प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं और सरकारी सेक्टर में कहीं ये सरकार ने कहीं रोजगार देने का काम ही नहीं किया। ये सरकार केवल हमको आपको कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर गुमराह करने का काम कर रही है। और ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है, न कि गरीबों नौजवानों किसानों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं का जिम्मेदार कौन? उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं का जिम्मेदार ये सरकार स्वयं और कोई नहीं है। आज कहते हैं बड़े बड़े माफियाओं को मैं ठिकाने लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े माफिया के विकास दुबे को आपने मरवाया, गाड़ी पलटवाई, आपने कहा कहा भाग रहे थे, वो सब आप जानते हैं कैसे हुआ। लेकिन अगर वो शायद जिंदा बचता तो आज सरकार का चेहरा कोई नकाब होता। और उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी छोटी सी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उसमें किसका हाथ है ये सरकार को। आज तो मैं प्रतापगढ़ की बात करता हूँ, बड़े बड़े लूट हो रही है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, कोई जिन घटनाओं का पर्दाफाश हो रहा है ऐसे कर दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, कर कोई रहा है बता कोई रहा है। अभी पट्टी की भी घटना हुई, व्यापारी मारा गया, आपका घटना का खुलासा किया, उसमें कौन लोग हैं आप तक नहीं खुलासा हो पाया। इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी जिम्मेदारी ये प्रदेश सरकार। 2022 में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने दर पर लड़ेगी। 2022 का जो चुनाव है कांग्रेस अपने दम पे लड़ेगी और अपने नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनाएगी। माननीय प्रियंका गांधी की अगुवाई में हमारी सरकार बनेगी और हम लोग, हमारा जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का सिपाही है, आज आप देख रहे हैं 1.5 साल से कांग्रेस का नौजवान सड़कों पर लड़ रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ रहा है, चाहे कोरोना का समय रहा हो, चाहे जितने भी ये तमाम ऐसे विवादित कानून लाए, चाहे नार्थी कानून लाए जिसका अगर किसी ने विरोध किया तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, क्योंकि ये समाज को बांटने का काम कर रही है ये सरकार। ये सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है। अगर उसके खिलाफ अगर कोई मुखर होकर के आया है तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आया है। हमारे नेता प्रियंका गांधी उनके नेतृत्व में यहाँ का नौजवान महंगाई से लड़ रहा है, बेरोजगारी से लड़ रहा है और किसानों की समस्याओं को लेकर के कांग्रेस लड़ रही है और कोई दल नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सारे दल आज दंगे में घुस गए हैं, पता नहीं चल पा रहा है कहाँ वो चले गए हैं। अगर कोई इनकी इनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, आदित्य प्रियंका गांधी और अजय डोंगर। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रतापगढ़ में आंवले की खेती बहुत बढ़ चढ़ कर की जाती है, ऐसे में काफ़ी समय से सरकारें आती रहीं और जाती रहीं लेकिन यहाँ के आंवला उद्योग को कोई भी प्रगति न दे सका। अगर आप सत्ता में आते हैं तो आंवले के लिए क्या करेंगे, क्या उद्योग लगाएंगे यहाँ? हम लोग इसके लिए कई बार धरना चुके हैं, हमारे नेतृत्व में हमने प्रदर्शन भी हुए, हमने CM को बकायदे ज्ञापन दिया कि आंवला के लिए हम दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ का किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। उसके लिए प्रदेश सरकार से कई बार मांग की गई और केंद्र सरकार से कि यहाँ आंवला की फैक्ट्रियाँ लगें, आंवला की फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो रोजगार पैदा होंगे और यहाँ का जो किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है वो उसको 2 पैसे के साधन मिलेंगे। और हमारी सरकार बनेगी, अगर प्रियंका गांधी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, तो ये जरूर जो है यहाँ के लिए प्रतापगढ़ के लिए आंवला उद्योग को बढ़ावा देंगे। यदि कांग्रेस पार्टी रानीगंज विधानसभा से आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव में पार्टी का निर्णय
पार्टी जो कहेगी जो आदेश करेगी, मैं पार्टी का एक छोटा सा काज करता हूँ, पार्टी जो निर्णय करेगी मैं उसको।